to my channel Faisal Physics CIS point to point explanation examination point of view explanation. आज के इस वीडियो में आप देखेंगे रेसिस्टिविटी के कुछ प्रॉब्लम्स. ये टॉपिक CBSE क्लास 10 से ली गई है. इस वीडियो में हम बेसिक रेसिस्टिविटी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. थ्री टाइप्स के प्रॉब्लम हम इसमें सॉल्व करेंगे. एक डायरेक्ट रेसिस्टिविटी के फॉर्मूले के बेस पे, फिर रेसिस्टिविटी में हम रेडियस यूज करेंगे, फिर और डायमीटर यूज करेंगे. लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेसिस्टिविटी. अ सिलेंडर ऑफ मटेरियल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. इस क्वेश्चन में सिलेंडर का लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर एंड हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ इट्स रेसिस्टेंस अलोंग द लेंथ बी 20 ओम्स. और इसका रेसिस्टेंस 20 ओम्स है. कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी मालूम करना है. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में लेंथ दे दिया. सो आप एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेसिस्टेंस दे दिया है आर इक्वल टू 20 ओम्स. कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी आपको मालूम करना है. यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में है. अगर से आप इसको चाहे तो मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस प्रॉब्लम में मीटर्स में कन्वर्ट ना भी करेंगे तो भी ये रेशो में कैंसिल हो जाएगा. चलिए देखते हैं रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला. रो इक्वल टू आर ए बाई एल. सो रो की वैल्यू मालूम करना है. आर की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 2 है, बाई एल की वैल्यू 10 है. तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 2 × 2 दैट इज 4. 4 रेसिस्टिविटी के यूनिट्स लिखेंगे. 4 ओम मीटर एक्चुअली इसके SI यूनिट्स है, लेकिन यहाँ पे हमें सेंटीमीटर्स में दिया, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको ओम सेंटीमीटर्स में लिखेंगे. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. एल्युमिनियम वायर हैज रेडियस 0.25 मिलीमीटर. इन दिस क्वेश्चन रेडियस इज गिवन 0.25 मिलीमीटर एंड लेंथ 75 मीटर्स. इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इज 10 ओम्स, कैलकुलेट रेसिस्टिविटी ऑफ द एल्युमिनियम. तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया, यहाँ पर रेडियस दे दिया आर इक्वल टू 0.25 मिलीमीटर, और फिर लेंथ है L इक्वल टू 75 मीटर्स, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर है R इक्वल टू 10 ओम्स, और कैलकुलेट रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर ये मीटर्स में, ये मिलीमीटर्स में, तो हम मिलीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 मिलीमीटर कितना होगा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 पावर ऑफ माइनस 3 मीटर होगा. तो हम क्या करेंगे, 0.25 इंटू मिलीमीटर के प्लेस पे 10 पावर ऑफ माइनस 3 मीटर लिखेंगे. लेट अस कैलकुलेट दिस. रो का फॉर्मूला है रो इक्वल टू आर ए बाई एल, लेकिन क्वेश्चन में ए ने दिया. सो हम क्या करेंगे, ए का फॉर्मूला यूज करेंगे. ए मीन्स नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला है आर पाई आर स्क्वायर. ए के प्लेस में पाई आर स्क्वायर बाई एल. अब नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे. आर की वैल्यू 10 है, पाई की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हैं. आर की वैल्यू 0.25 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 3, 0.25 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 3, और ये होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एल. एल कितना है यहाँ पर, 75 है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. सो 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 3 होल स्क्वायर में, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे. 10 पावर ऑफ माइनस 3 इंटू 0.25 इंटू 10 पावर ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 75. अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पर डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी टोटल 6 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6. तो ये मैं डिसिमल्स निकाल देके इनटू 10 पावर ऑफ माइनस 6 करूँगा, क्योंकि मैं डिसिमल निकाल दिया 1 2 3 4 5 6. डिसिमल के बाद क्योंकि 2 2 डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे इसको 10 पावर ऑफ माइनस 6 लिखेंगे. तो क्या बचे हुआ यहाँ पे, आप 10 इंटू 3 14 आपको हो जाएगा 3140 इंटू 25 25 625 हो जाएगा. 10 पावर ऑफ माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, सो माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 75. अभी इसका फर्दर कैलकुलेशन देखेंगे.
यहाँ पे आप 5 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऊपर का मल्टीप्लाई करके नीचे इसके उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी आपको ईजी मेथड लगा वो आप कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 196250 × 10⁻²⁻ डिवाइडेड बाई 75। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर ये 75, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तब इसका आंसर आएगा 26166 × 10⁻²⁻। सो रेसिस्टिविटी का वैल्यू यहाँ पर हम मालूम कर लिए। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो यहाँ पर डिसिमल में 4 प्लेस शिफ्ट करो, 1, 2, 3, 4, 2.6166 × 10⁻²। क्योंकि 4 प्लेस शिफ्ट कर लिया तो ये 4 वैल्यू कम हो जाएगी, तो −12 के प्लेस में −8 आएगा। और यूनिट्स ऑफ रेसिस्टिविटी क्या रहेंगे? ओम मीटर। लेट अस सी वन मोर प्रॉब्लम। ए कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.5 mm एंड रेसिस्टिविटी 1.6 × 10⁻⁸ मीटर। वॉट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर? रेसिस्टेंस इज 10 ohms। इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया है, सो डायमीटर डी इक्वल टू 0.5 mm। डायमीटर है तो हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर, 0.5 mm को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 mm होगा। 0.25 mm को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर आपको आर की वैल्यू आ गई 0.25 × 10⁻³ मीटर्स। नेक्स्ट रेसिस्टिविटी दिया गया है, सो 1.6 × 10⁻⁸ ohm meter। वॉट विल बी द लेंथ? इस क्वेश्चन में हमें लेंथ मालूम करना है, लेंथ क्वेश्चन मार्क ऑफ दिस वायर टू मेक रेसिस्टेंस ऑफ 10 ohms। सो रेसिस्टेंस यहाँ पर 10 ohms है। सो बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे रेसिस्टिविटी का, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। क्योंकि हमें एल मालूम करना है तो एल सब्जेक्ट बना लेंगे, एल को इस तरफ भेज देंगे, एल इक्वल टू आर ए बाई रो। ए का फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वेयर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। सो एल इक्वल टू आर, ए के प्लेस में पाई आर स्क्वेयर बाई रो। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो एल इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पर है 10, पाई की वैल्यू 3.14 × r, 0.25 × 10⁻³ होल स्क्वेयर है, तो 0.25 × 10⁻³ होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रो। रो की वैल्यू है यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁸। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एल इक्वल टू 10 × 3.14 × 0.25 स्क्वेयर है ना, 2 times लिखना है, 0.25 × 10⁻³ × 0.25 × 10⁻³, क्योंकि स्क्वेयर है तो हम 2 times लिख लिए, डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁸। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर 10⁻³, 10⁻³, 10⁻⁶ न्यूमरेटर में, तो यहाँ से हम उसको कम कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻², −6 −6 चले गया। अभी यहाँ पे देखिए आपको 10 × 3.14 होगा 31.4 इंटू, यहाँ पे डिसीमल है और यहाँ पर भी डिसीमल है, तो डिसीमल के बाद 2 digit है, डिसीमल के बाद 2 digit है, तो मैं ये डिसीमल निकाल लेता हूँ, तो टोटल 4 digits हो गए, मतलब इंटू 10⁻⁴ आप लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 digits के प्लेस पे 10⁻⁴ लिख सकते हैं हम, अगर हम वहाँ पर डिसीमल निकाल देंगे। तो अभी ये 25 × 25 हो गया, 25 × 25 होगा 625, और क्या है यहाँ पर इंटू 10⁻⁴ है, नीचे 10⁻², तो ये −2, ये −4 में से चले गया, तो यहाँ पर −2 रह जाएगा, तो 31.4 × 625 × 10⁻², डिवाइडेड बाय 1.6। ओके, सो यहाँ पर 10⁻², अगर आप नीचे लिखेंगे तो ये होगा 31.4 × 625 डिवाइडेड बाय 1.6 × 100। अब इसको आप ऊपर वाले टर्म्स को, नीचे वाले टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, इसका फाइनल आंसर आएगा 122.6 meters। तो इस तरीके से आप रेसिस्टिविटी के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं।